दोस्तों आज हम आपको भारत की एक ऐसे रेलवे लाइन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में रेल अंग्रेज लेकर आए थे। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय रेल भारत सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक रेलवे सेवा बन गई। आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। इतना ही नहीं, 12 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई भी है। देश में आज भी एक ऐसा रेलवे ट्रैक है जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है। इस ट्रैक को शकुंतला रेलवे ट्रैक के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती में कपास की खेती होती थी। यहाँ से कपास को मुंबई बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए यह ट्रैक बनाया गया था। ब्रिटेन की क्लिक निक्सन एंड कंपनी ने इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी की स्थापना की। इस ट्रैक पर एक ही ट्रेन चलती थी जो शकुंतला पैसेंजर के नाम से जानी जाती थी। इसी के चलते इस रेलवे लाइन को भी शकुंतला रेलवे ट्रैक के नाम से जाना जाने लगा। 1994 के बाद इस ट्रेन में स्टीम की जगह डीजल इंजन लगा दिया गया। यह ट्रेन 17 स्टेशनों पर रुकती है और अपना सफर 6-7 घंटे में पूरा करती है। आजादी के बाद भारतीय रेलवे ने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता किया जिसके अंतर्गत हर साल भारतीय रेलवे की ओर से कंपनी को रॉयल्टी दी जाती है। हर साल 1,20,00,000 रुपए की रॉयल्टी कंपनी को मिलती है। इसके बाद भी इस ट्रैक की देखभाल ब्रिटिश सरकार सही से नहीं कर रही है। इस पर चलने वाली शकुंतला एक्सप्रेस भी 2020 में बंद हो चुकी है, जिसके बाद स्थानीय लोग इस ट्रेन को चलाने की मांग कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने इस ट्रैक को खरीदने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही आंत लगी।